है छोटा सा छोटी सी आशा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ जो क्रोटन के प्लांट जो है वो शिफ्ट करके शेयर किया था, मतलब मैंने इसका कटिंग का रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो प्लांट्स अब पूरी तरीके से अच्छे से ग्रोथ पर आ गए हैं और ये मेरा प्लांट ग्राउंड पर भी लगा हुआ है। देखने में काफ़ी ज़्यादा बूसी और खूबसूरत लगता है और गोल्डन डस्ट से आप लोगों को मैं तो आप लोगों को हर दूसरी तीसरी वीडियो में मिलाता रहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत है। एक साथ दो कटिंग इनकी ग्रो हुई थी, तो एक इसके अंदर है और एक मैंने अभी अंदर इंडोर गार्डन के अंदर रखा हुआ है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फिर से जो है मेरी कुछ लगाई गई कटिंग का रिजल्ट जो है वो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने लगाई थी और मैक्सिमम कटिंग्स मेरी जो है वो मुझे ग्रोथ पर दिखाई दे रही हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये चेक करेंगे कि इनके अंदर रूटिंग हुई है कि नहीं, और उसके बाद जो है यहाँ पर सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने रखा है, इनको जो है शिफ्ट भी करेंगे। दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से प्लांट मैंने उस टाइम पर लगाए थे। ये अजवाइन का पौधा है जो कि बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है, एक ये है। उसके बाद जो है ये आपका एग्लोनिमा की वैरायटी है एक, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये दो, इसको मैंने एक साथ दो कटिंग्स लगाई थी। इसके बाद सॉन्ग ऑफ इंडिया की ये ग्रीन वाली वैरायटी, और शिफ्टिंग आज इन तीनों की ही करेंगे, बाकी बाद में शिफ्ट करेंगे। जैसे कि कोलियस है, यहाँ पर दो अलग अलग वैरायटीज के मैंने लगाए थे, तो इनको भी बाद में शिफ्ट करेंगे। दो कटिंग मैंने लगाई थी, दो की दोनों चल गई हैं, नहीं तीन लगाई थी, एक ये वाली जो है ये मर गई है। तो ये बाकी आपका जो है एक वैरायटी प्लांट मैंने सिंगोनियम का जो है एक कटिंग लगाई थी, तो इसके पत्ते शुरुआत में तो बड़े जले जले से आ रहे थे, लेकिन अब ये जो न्यू लीफ आ रही है ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और इनको जो है एक एक करके सबसे पहले आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ और उसके बाद जो है रिपोर्ट करके। सबसे पहले हम ये वाला एग्लोनिमा जो है इसको निकालेंगे, और निकालने से पहले कोई भी कटिंग निकालिए तो आसपास की सॉयल को जो है वो थोड़ा ढीला कर लेना चाहिए, क्योंकि रूट्स जो हैं अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो फिर कटिंग जो है, अगर प्लांट होता है तब तो वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अगर कटिंग्स हमने लगाई हैं तो वो ईजिली सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले हमने ये निकाला है और देखिए इसके अंदर बहुत ही बढ़िया रूट्स आ गई हैं। तो ये प्लांट हमारा जो है ये चल गया है। अभी मैं चाहता तो इसको दो चार दिन और इसके अंदर रहने देता तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर जो है वो रूट्स आ सकती थी, लेकिन फ़िलहाल जो है अब ये शिफ्टिंग के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि ये अच्छे से रूट्स इसके अंदर डेवलप हो गई हैं। एक ये निकला। अब इसके बाद जो है यहाँ ये बगल में इसके एक ये कटिंग मैंने लगाई थी, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही इसकी सॉइल को ढीला करेंगे और मुझे लगता है कि इस वाले के अंदर जो रूटिंग हुई है वो उस वाले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुई है, क्योंकि इसमें देखिए रूट्स यहाँ पे मिट्टी के बाहर आ गई हैं पूरी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है। आप उस वीडियो को भी जाकर देखिएगा जिसमें मैंने कटिंग लगानी बताई है, और इस वीडियो को भी देख रहे हैं आप लोग तो इसमें आपको रिजल्ट तो अपडेट मिल ही गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है रिजल्ट रहा है इसका। और अब ये सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है इसको निकाल कर देख लेते हैं। बारिश का ये जो टाइम है, मैंने अभी कल भी आप लोगों के साथ जो है शेयर किया था कि बहुत ही बढ़िया टाइम है ये इन कटिंग्स को लगाने का। देखिए कितनी बड़ी बड़ी रूट्स इसके अंदर आ गई हैं, तो ये भी बहुत ही बढ़िया ग्रो कर गया है। अब इन चारों को जो है वो नई सॉइल मिक्स बनाकर हम लगा देंगे। एक एग्लोरिमा मैंने और लगाया था, लेकिन अब है क्या कि ये जो है थोड़ी डॉफ वैरायटी में आते हैं, ये जो एग्लोरिमा की ये वाली वैरायटी है जिसको आइस ऐसे कुछ करके बोला जाता है, लेकिन ये जो है ये थोड़ी बड़ी वैरायटी में आता है। इसके अंदर रूट्स थोड़ा लेट हो सकता है आए, जब तक ये ऊपर से ही देख के पता चल जाता है कि रूटिंग हुई है कि नहीं है, क्योंकि है क्या प्लांट थोड़ा इस्टेब्लिश सा दिखाई देने लगता है। अब ये जो जगह बच गई इसके अंदर अभी नई कटिंग लगाएंगे, क्योंकि है क्या कि मेरे पास इस ट्रे में भी कुछ जगह हो गई है और दूसरा जो मेरा कटिंग ट्रे है उसके अंदर भी जगह हो गई है। फिलहाल ये है आप लोगों के सामने रिजल्ट इन तीनों का, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट जो है मिला है। अब इनको जो है हम रिपोर्ट करेंगे। और अब यहाँ पर ये मैंने जो सॉइल मीडिया इनको लगाने के लिए लिया है,
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। चूंकि दो तरह के प्लांट हैं, दोनों को अलग अलग तरीके का सॉयल कंपोजिशन पसंद होता है। जैसे एग्लोनीमा जो है उसको सॉफ्ट मीडिया पसंद होता है, और जो आपका सॉन्ग ऑफ इंडिया है उसको सॉफ्ट टू हार्ड मीडिया मतलब मीडियम स्तर का जो सॉयल होता है वो पसंद है। तो यहाँ पर ये एग्लोनीमा जो है इसके अंदर 50% ये कोकोपीट मैंने शामिल कर लिया है, और उसके बाद 25-25% के रेशियो में ये आपकी गार्डन की मिट्टी है जिसमें जो है सैंड भी मिक्स है। और ये जो है मतलब ये सैंड वाली ही मिट्टी है, इसमें सैंड ज़्यादा है, मैंने कटिंग लगाने के लिए रखा हुआ था वो वाला है। और ये जो है आपका कंपोस्ट है, मतलब 50% में आपको ये लेना है, और उसके बाद जो है इक्वल इक्वल रोज रेशियो सैंड आपका सॉयल और कंपोस्ट का लेना है। फंजीसाइड में साफ का मिक्स कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो आप ट्राइकोडर्मा मिक्स कर सकते हैं, या फिर जो है हल्दी होगी आपके घर पे तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप हल्दी डालते हैं तो आपको जल्दी जल्दी जो है थोड़ा फंजीसाइड अपने पौधे को देना पड़ेगा। यहाँ पर इन प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये अलग अलग साइज के 3 पॉट लिए हैं, जिनमें 2 पॉट जो है वो 4-4 इंच के हैं और 1 पॉट जो है वो 5 इंच का है, मतलब गहराई इनकी। अब जो है ये सॉयल मैंने मिक्स करके तैयार भी कर लिया है, आप चाहें तो ठीकड़ियाँ और कॉटन लगा के जो है मतलब ठीकड़ियाँ या कॉटन में से कुछ भी लगा के जो है इनके ड्रेनेज होल को कवर कर सकते हैं, और ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि प्लांट में ड्रेनेज होल है या नहीं है, क्योंकि प्लांट के अंदर ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे एक्स्ट्रा जो हमारा वाटर है वो ड्रेनेज होल से निकल कर बाहर जा सके, जिससे हमारा प्लांट आसानी से सर्वाइव कर सके। तो ये जो है ये हो गया, अब फटाफट जो है हमारे प्लांट जो हैं इनके अंदर लगा देते हैं। ऑलरेडी इसमें 2 ब्रांचेज बनी हुई थी तो ये काफ़ी बूसी सा लुक जो है स्टार्टिंग से ही ले लेगा। ये लग गया, और इसको लगा लेने के बाद जो है इन प्लांट्स को हमको पानी हल्का सा देना है, क्योंकि बारिश का मौसम ऑलरेडी चल ही रहा है, अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो पौधे के लिए जो है वो रॉट होने की समस्या जो है वो मतलब रॉट होने का डर जो है वो बढ़ जाएगा। मैं इस बार कॉटन भी थोड़ा थोड़ा करके लगा रहा हूँ, थोड़ा धूल आ रही होगी और जो है इस वजह से थोड़ा फ्लैश पे धूल आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा रात हो जाती है मुझे वीडियोस करते हुए। ये ठीकड़ियाँ और कॉटन दोनों लगा के जो है वो कवर कर दे रहा हूँ इनके ड्रेनेज होल को। ये ड्रेनेज होल इनके कवर हो गए मिट्टी भरी। फिलहाल जो है अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, प्लांट्स को रिपोर्ट कर लेंगे अभी, और आप लोगों के साथ जो है इसको शेड में ही रखेंगे जब तक प्लांट हमारे अच्छे से, वैसे भी शेड लविंग प्लांट्स हैं तो धूप में तो इनको जाना नहीं है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ऐसे ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिल जाएंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।